Assalamu alaikum students, my name is Haneen Fatima Kirmani and I am a subject specialist in biology. Today our topic is from chapter number 3, that is biodiversity. The objectives of today's lesson is, by the end of this lecture you will be able to explain the term biodiversity, define the term flora and fauna, historical perspectives of biodiversity and importance of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इस टर्म का मीनिंग क्या है, आज का फोकस हमारा इस पर रहेगा। हमारे अर्थ पे 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और उनमें से सिर्फ 1/3 बायोलॉजिस्ट कैटलॉग कर सके हैं। कैटलॉग का मतलब होता है अपने रिकॉर्ड में उसको ला सके हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी है, इसके अंदर जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसका बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव या उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखते हुए हमने अपनी इन ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को रिकॉर्ड किया है। अब हमने इनको रिकॉर्ड कैसे किया है, हमने इनको 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स के अंदर रिकॉर्ड किया है, जिनमें आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई एंड प्लांट्स। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, प्रोटिस्ट्स जो कि टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई जो कि जिनको हम कहते हैं रिड्यूसर्स, और प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, एंड एनिमल्स जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं होते और वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। इस चैप्टर पे हमारा फोकस ये रहेगा कि हमने इन ऑर्गेनिजम्स को कैसे ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है और इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। Diversity means variety within a species and among the species. Biodiversity is the measure of variety of organisms present in different ecosystems. अब अगर आप देखो तो main focus क्या है कि ये word derive हुआ है from bio and diversity. Bio means life and diversity means variety, कि कितनी variety present है different species में, यानी जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है हम उसको कहते हैं स्पीशीज। स्पीशीज में देखना है कि किस किस्म की वैरायटी प्रेजेंट है, कितनी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से स्पीशीज। और फिर अगर हम बिगर पिक्चर देखें, हम बड़ा करके देखें, तो एक इकोसिस्टम में कितनी डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। अगर आप अपने कमरे से बाहर निकल के ग्राउंड में ही देखो तो आपको डिफरेंट स्पीशीज नजर आएंगी, डिफरेंट वैरायटीज नजर आएंगी। इवन अगर आप प्लांट्स में देख लो तो एक प्लांट में कितनी वैरायटीज नजर आती हैं, आप एनिमल्स उठा के देख लो तो उनमें कितनी वैरायटीज नजर आती हैं। तो उन सबको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। In the terms of biodiversity, plants are called flora and the animals are called fauna. अब plants और animals किस तरह के region में present होते हैं वो depend करता है उस region के climate पे, उसके altitude पे। Altitude means the height on earth, soil पे, उस जगह की soil कैसी है, and किस तरह की different species उस region में present है, इस पे सारी रीजन की बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अब अगर बात करें तो अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इट इज रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स, जो अर्थ का इक्वेटर के इर्द गिर्द का रीजन होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स। देन जो रीजन इक्वेटर से थोड़े से परे होते हैं, आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये जो रीजन्स जो ऑरेंज से हाईलाइट किए हुए हैं, इनको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन्स। दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, इधर जरा कम हो जाती हैं स्पीशीज एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज कम हो जाती हैं। और फिर अगर हम पोल्स की बात करें, आपको पता है हमारे अर्थ पे दो पोल्स प्रेजेंट हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो
तो अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो जो एरियाज ब्लू में हाइलाइटेड हैं उनको हम कहते हैं पोल्स, और पोल्स में सबसे कम स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। ऐसा क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि अराउंड द ट्रॉपिक्स जो रीजन्स होते हैं उधर एनवायरमेंट ऐसी होती है कि प्लांट्स और एनिमल्स इजीली एग्जिस्ट कर पाते हैं। इन टेम्परेट रीजन्स वो होते हैं जहां पर जरा थोड़े क्लाइमेट हार्शर हो जाता है, क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा सख्त होता है, तो उन रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी थोड़ी कम हो जाती है। और अगर हम पोल्स की बात करें तो आपको पता है कि पोल्स पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है और उधर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्शर हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी उधर और ज़्यादा कम हो जाती है। अब अगर अर्थ पे बात की जाए कि बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कैसे हुई, तो ये कहा जाता है कि एवोल्यूशन स्टार्ट हुई अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, और बिफोर दैट एवोल्यूशन अराउंड 600 मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ बैक्टीरिया और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। अगर हम साइंस की रॉ से बात करें तो साइंस ये कहती है कि बिग बैंग हुई और इस बिग बैंग के बाद बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुए। तो इसमें 600 मिलियन ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुआ और अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन का स्टार्ट हो चुका था। मींस कि इन बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्लांट्स कैसे कैसे हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो बेटा प्लांट इज द सोर्स ऑफ फूड, और सिर्फ प्लांट्स ही नहीं डिफरेंट एनिमल्स भी सोर्स ऑफ फूड हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस ये है, इट इज द सोर्स ऑफ फूड, इट प्रोवाइड्स फूड टू द ह्यूमंस। बहुत सारी मेडिसिंस में प्लांट्स यूज होते हैं, उनसे हम डिफरेंट किस्म की ड्रग्स लेते हैं, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स प्लांट से निकलते हैं जो कि ड्रग्स में यूज होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिसिन। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि प्लांट्स डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटीरियल्स में यूज होते हैं, यानी वाइड रेंज ऑफ मटीरियल्स हम प्लांट से हासिल करते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, फाइबर्स हम यूज करते हैं हमारे कपड़े बनाने में, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फिर डाइज भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इन टेक्सटाइल, इन पेपर्स, तो डाइज भी यूज होते हैं, फिर रेजन्स हो गए, रेजन्स होते हैं डिफरेंट केमिकल्स जो कि ऑयल्स की सूरत में, गम्स की सूरत में निकलते हैं, तो वो भी हम यूज करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। गम्स हो गई, गम्स हम स्टिकिंग मटीरियल बनाते हैं इससे, गम्स से, फिर डिफरेंट किस्म के एडहेसिव्स भी स्टिकिंग मटेरियल्स होते हैं, ये जो हैं ये डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फिर रबर आ गया, रबर से हम डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं और ये भी हम प्लांट्स से हासिल करते हैं। एंड ऑयल्स का आपको पता है डिफरेंट किस्म के ऑयल्स होते हैं, कुकिंग ऑयल्स होते हैं, डिफरेंट ऑयल्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूज में आते हैं, एंड फिर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनसे हम परफ्यूम्स बनाते हैं, सोप्स में यूज करते हैं जिनसे अच्छा अरोमा होता है उनका, तो उनको हम डिफरेंट चीज़ों में यूज करते हैं। तो ये हमारी अभी इंपॉर्टेंस थी प्लांट की। हमारे इकोसिस्टम्स में बायोडाइवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम्स। जिस तरह से जितनी भी हमारी वाटर की सप्लाई है या हमारी डिफरेंट केमिकल्स की सप्लाई है वो रेगुलेट होती है थ्रू बायोडाइवर्सिटी। फिर जो हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स और हमारी गैसेस जो कि रेगुलेट होती हैं बिटवीन द एनवायरनमेंट, उनको रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी। हमने अपने लेक्चर में आज बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने डेफिनेशन देखी बायोडाइवर्सिटी की, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रीजन्स में कैसी है बायोडाइवर्सिटी की, हिस्ट्री क्या है बायोडाइवर्सिटी की, फिर सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक मेन था दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि प्लांट्स कैसे यूज होते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड इन मेडिसिन, उसके बाद फिर प्लांट्स कैसे इंडस्ट्रियल मटीरियल में यूज होते हैं, और
बायोडाइवर्सिटी क्या क्या रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम ऑफ आवर अर्थ। अब आपको मैं छोटी सी एक असाइनमेंट दूंगी, आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको अपनी बुक पे मार्क करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्लोरा एंड फौना, हाउ बायोडाइवर्सिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन बायोडाइवर्सिटी, हाउ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स द इकोसिस्टम। आपने इन पांचों शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी बुक पे मार्क करना है। Thank you. If you have any questions, you can ask your concerned teacher.